हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज हम इस वीडियो पे बीएससी फर्स्ट ईयर मैथ्स का जो आपका चैप्टर है यहाँ पर वेक्टर्स का, उसका यहाँ पर हम क्विक फॉर्मूला रिवीजन करने वाले। तो इस वीडियो पे यहाँ पर हम आपका वेक्टर्स का क्विक फॉर्मूला रिवीजन करेंगे और नेक्स्ट वीडियो पे यहाँ पर हम कुछ वेक्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके यहाँ पर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पर है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स ए एंड बी, आपका एक स्केलर होता है, ठीक है। अगर आपके पास ए और बी दो आपके पास वेक्टर है, उनका अगर हमें स्केलर प्रोडक्ट निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं, ए डॉट बी इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ ए इंटू मॉड्यूलस ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, ठीक है, या मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। सेकेंड आपके पास है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी, आपका एक वेक्टर होता है, अगर आपके पास ए और बी दो वेक्टर्स हैं, उनका अगर हमें वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा इंटू यूनिट वैक्टर, ठीक है। एन कैप आपके पास एक यूनिट वैक्टर है जो परपेंडिकुलर है टू द प्लेन ऑफ द गिवन वैक्टर्स के। थर्ड आपके पास यहाँ पर है वह स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, अगर आपके पास तीन ए बी सी आपके पास तीन नॉन को प्लेनर वैक्टर्स है, नॉन को प्लेनर कहने का मतलब कि आपके एक प्लेन में लाई नहीं कर रहे, ठीक है। तो हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को ऐसे दिखाते हैं, ए क्रॉस बी डॉट सी किसके इक्वल होता है ए बी सी के, ब्रैकेट में ऐसे लिखते हैं हम, या इसे हम लिख सकते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है। और हम कैसे लिख सकते हैं इसको, बी डॉट सी क्रॉस ए या सी डॉट ए क्रॉस बी, या आपका बी क्रॉस सी डॉट ए या सी क्रॉस ए डॉट बी। तो इन तरीक़ों से हम इसको आपका लिख सकते हैं, ठीक है। आपको बेसिक यहाँ पर याद रखना है कि आपका ब्रैकेट के अंदर ए बी सी रहता है, ठीक है। एक आप याद रखो कि आपका ए डॉट बी क्रॉस सी रहता है, फिर हम इसको चेंज करके लिख सकते हैं आपका ऐसा, ठीक है। अगर हम इसे डिटर्मिनेंट फॉर्म पे लिखना है यहाँ पर ए डॉट बी क्रॉस सी को, हम कैसे लिखेंगे, डिटर्मिनेंट के अंदर आएगा आपका ए वन ए टू ए थ्री, बी वन बी टू बी थ्री और सी वन सी टू सी थ्री, ठीक है, ये आपके अलग अलग डायरेक्शंस पे। फोर्थ आपके पास यहाँ पर है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, तो वॉल्यूम टेट्राहेड्रन का फॉर्मूला क्या है, वन अपॉइंट सिक्स ए डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है, वन अपॉइंट सिक्स इंटू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के फॉर्म पर हम इसे दिखाते हैं, तो ये आपका यहाँ पर फॉर्मूला रहता है, ठीक है। फिफ्थ आपके पास है वैक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, अगर आपके पास तीन वैक्टर है, ठीक है, वो आपके यहाँ पर हमें उसका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, ए क्रॉस बी क्रॉस सी किसके इक्वल होता है ए डॉट सी इंटू बी माइनस टाइम ए डॉट बी इंटू सी, ठीक है। ए क्रॉस बी क्रॉस सी किसके इक्वल है ए डॉट सी इंटू बी माइनस टाइम ए डॉट बी इंटू सी। सिमिलरली हम ऐसे लिख सकते हैं आपका बी क्रॉस सी क्रॉस ए को, बी डॉट ए इंटू सी माइनस टाइम बी डॉट सी इंटू ए, ठीक है। फिर क्या आपके पास सी क्रॉस ए क्रॉस बी है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सी डॉट बी इंटू ए माइनस टाइम सी डॉट ए इंटू बी, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पर इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आपके यहाँ पर क्वेश्चंस पे यूज़ होते हैं। तो ये था आपका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। फिर क्या आपके पास यहाँ पर स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर, अगर आपके पास फोर वेक्टर है ए बी सी और डी, ठीक है, अगर हमारे इसके स्केलर प्रोडक्ट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ए क्रॉस बी इंटू सी क्रॉस डी किसके इक्वल होता है आपका ए डॉट बी क्रॉस सी क्रॉस डी, और इसको हम लिख सकते हैं आपका बी डॉट डी इंटू सी माइनस टाइम बी डॉट सी इंटू डी, ठीक है। तो इन शॉर्ट हम कहें तो अब डिटर्मिनेंट फॉर्म पर अगर हम इसे लिखेंगे तो क्या होता है आपका ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी इक्वल्स टू किसके होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डॉट सी ए डॉट डी बी डॉट सी और बी डॉट डी, ठीक है। तो मेन हम आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि ये आपका इसके इक्वल होता है, ठीक है, अगर हम बात करें स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर वैक्टर्स की। सेवन्थ आपके पास है यहाँ पर वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स, अगर आपके पास चार वेक्टर है उसका हमें वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं आपका यहाँ पर ए सी डी इंटू बी माइनस टाइम बी सी डी ब्रैकेट में इंटू ए, ठीक है, या इसे लिख सकते हैं आपका ए डॉट सी क्रॉस डी इंटू बी माइनस टाइम बी डॉट सी क्रॉस डी इंटू ए, ठीक है। तो ये होता है आपका वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स। एट आता है आपके पास रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स, अब रेसिप्रोकल सिस्टम क्या होता है आपका, ये आपका जरा नया है यहाँ पर, ठीक है, कभी कभी आपके क्वेश्चन आ जाते हैं इससे भी। अगर आपके पास ए बी सी तीन नॉन को प्लेनर वैक्टर्स है जो आपके एक प्लेन में लाइन नहीं कर रहे, सच दैट कि आपका जो ए बी सी जो आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है यहाँ पर वो आपका जीरो के इक्वल नहीं है, ठीक है, तो आपके जो तीन वैक्टर्स है ए डैश बी डैश सी डैश, ये आपका रेसिप्रोकल्स होंगे ऑफ ए बी सी, ठीक है, ये आपके ए डैश बी डैश सी डैश ये रेसिप्रोकल है किसके, ए बी और सी के, ठीक है। जहाँ आपका ए डैश किसके इक्वल होता है बी क्रॉस सी अपॉन ए बी सी के, जो आपका यहाँ पर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, और बी डैश इसका ये जो रेसिप्रोकल है किसके इक्वल होगा सी क्रॉस सी अपॉन ए बी सी के। सिमिलरली आपका सी डैश किसके इक्वल है ए क्रॉस बी अपॉन ए बी सी के, ठीक है। तो ये सब आपके क्या है यहाँ पर रेसिप्रोकल्स है, ठीक है। कुछ आपकी प्रॉपर्टी यहाँ पर दो, जैसे आपका ए डॉट ए डैश जो आपका रेसिप्रोकल है और साथ में जो आपका ए वेक्टर है ये आपके वन के इक्वल होता है, सिमिलरली आपका बी डॉट बी डैश भी वन के इक्वल और सी डॉट सी डैश भी आपका वन के इक्वल होता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर करें ए डॉट बी डैश इक्वल्स टू बी डॉट सी डैश या सी डैश सी डॉट ए डैश, ये आपका जीरो के इक्वल होता है,
ठीक है। तो ये आपकी दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स की, ठीक है। तो ये कुछ आपके यहाँ पर इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे वेक्टर्स के। नेक्स्ट वीडियो पे यहाँ पर आपके कुछ क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे वेक्टर्स के, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और बाकी आपका जो यहाँ पर क्विक फॉर्मूला रिवीजन अभी हमने किया है, उसका आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी पीडीएफ बना के दे दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।